नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली तक चलने वाली दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दुर्ग छत्तीसगढ़ से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक चलने वाली हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है दुर्ग जंक्शन से हफ्ते में दो दिन चलेगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को ये दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना होगी और दुर्ग जंक्शन से ये जो ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन तक तकरीबन 19 घंटे 45 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। 1274 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन होगी और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 08223 दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है कोविड रिजर्व ट्रेन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीजन द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। ये रहा आपके सामने रूट मैप। ये जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ से दुर्ग जंक्शन से चलेगी और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के थ्रू ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करेगी। तो अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होंगे। तो थर्ड एसी का जो मैं अभी आपको किराया बताऊँगा वो दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी का जो दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक का जो टोटल किराया है वो है 1780 रुपये, जिसमें 1608 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 85 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1780 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये थर्ड एसी का इस ट्रेन का हमसफर एक्सप्रेस का बताया। और इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई अनकक्ष की फैसिलिटी भी होगी, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी जो है यात्रा के दौरान मिल जाएगी। बट आपको डायरेक्टली जो है ट्रेन के अंदर ही फूड परचेस करना होगा। जो फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो आप डायरेक्ट जो है पेंट्री कार्ड से खाना खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो दुर्ग जंक्शन से स्टार्ट हो रही है 28 सितंबर को और इसकी बुकिंग जो है स्टार्ट है। दुर्ग जंक्शन से ये ट्रेन जो है हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 11:10 पर यह चलेगी और तकरीबन 19 घंटे 45 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में पहुंचेगी और इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 1274 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करेगी। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11:45 पर पहुंचेगी और 11:50 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 37 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। भाटापारा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 12:38 पर पहुंचेगी और 12:40 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 102 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद यह ट्रेन जो है उसलापुर छत्तीसगढ़ में दोपहर के 1:50 पर पहुंचेगी और 2 बजे वहां से रवाना हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप है और 151 किलोमीटर की दूरी जो है दुर्ग जंक्शन से उसलापुर तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होगी। उसलापुर रेलवे स्टेशन जो है इस ट्रेन का चौथा स्टेशन है और उसलापुर रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है USL। उसलापुर के बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ के आखिरी स्टेशन जो कि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा छत्तीसगढ़ का वो है पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड पर यह ट्रेन जो है दोपहर के 3:27 पर पहुंचेगी और 3:29 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 244 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। पेंड्रा रोड का स्टेशन कोड है PND। पेंड्रा रोड के बाद ये ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ स्टेट से मध्य प्रदेश में एंटर करेगी। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन अनूपपुर जंक्शन में शाम के 4:15 पर पहुंचेगी और 4:17 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड है APR और यहाँ तक की जो दूरी है 294 किलोमीटर के करीब जो है दुर्ग जंक्शन से अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश तक ये कवर कर चुकी होगी। अनूपपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है APR। इसके बाद दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो शाहडोल रेलवे स्टेशन में शाम के 4:56 पर पहुँचती है और 4:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 334 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SDL। शाहडोल रेलवे स्टेशन के बाद यह ट्रेन जो है
दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो उमरिया रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी शाम के 5:53 पे और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 403 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। उमरिया रेलवे स्टेशन पर का स्टेशन कोड है UMR। इसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी शाम के 7:30 पे और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 461 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। कटनी मुरवारा का स्टेशन कोड है KMZ। कटनी मुरवारा के बाद ये जो ट्रेन है दुर्ग हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है वो दामोह रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी रात के 9:23 पे और 9:25 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 270 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। दामोह रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DMO। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के सागौर रेलवे स्टेशन में पहुंचेगी रात के 10:23 पे और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 646 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। विंध्याचल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होगी और उसका स्टेशन कोड है SGO। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। उत्तर प्रदेश के झांसी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 1:30 पे पहुंचेगी और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है, 870 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। यहां पर शाने भोपाल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन और केरला स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी और झांसी जंक्शन का स्टेशन कोड है JHS। इसके बाद दुर्ग से झांसी की दूरी जो है 870 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होगी। दोबारा मध्य प्रदेश में एंटर करेगी ये ट्रेन जो है। मध्य प्रदेश का जो आखिरी स्टेशन है ग्वालियर जंक्शन में रात के 2:34 पे पहुंचेगी और 2:36 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 968 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है GWL। ग्वालियर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:10 पे पहुंचेगी और 4:12 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1086 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है AGC। आगरा कैंट के बाद यह ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी और इस ट्रेन के सेकंड लास्ट स्टेशन मथुरा जंक्शन में पहुंचेगी। मथुरा जंक्शन में सुबह 4:51 पे पहुंचेगी और 4:53 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और मथुरा जंक्शन का स्टेशन कोड है MTJ। मथुरा जंक्शन से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर ये ट्रेन जो है फिर अपने आखिरी स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। यहां पर ट्रेन जो है सुबह 6:55 पे पहुंचेगी और अपनी तकरीबन 1274 किलोमीटर की यात्रा जो है दुर्ग जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक कवर कर चुकी होगी। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली का ही स्टेशन है और उसका स्टेशन कोड है NZM। दोस्तों इसी के साथ इस हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन या दुर्ग हजरत निजामुद्दीन हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।